वेलकम बैक। मुतहदा अरब अमारात में अबूधाबी इंटरनेशनल पेट्रोलियम एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस सज गई है। अबू धाबी के नेशनल एग्जीबिशन सेंटर में बड़े रकबे पर पाकिस्तानी पवीलियन कायम किया गया है, जहां पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर्स को नुमाया किया जा रहा है। इस अहम तरीन बैनुल अक्वामी एनर्जी इवेंट में वजीर मुमलिकत बराए तवानाई मुसद्दिक मलिक ने भी शिरकत की। इस मौके पर लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था, कोशिश कर रहे हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी जो पाकिस्तान की है उसके लिए वो उसको अरेंज किया जाए। एक तो सप्लाई है, दूसरा जो हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है जिसमें रिफाइनरीज हैं, एलएनजी टर्मिनल्स हैं, पाइपलाइंस हैं, उनकी बातचीत यहाँ लोगों से की है। तो मेरा ख्याल है कि आप अगले चंद महीने में देखेंगे कि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह पाकिस्तान में आएगी। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से शरीक कंपनियों को आगाही दी जा रही है कि पाकिस्तान शोबे तवानाई में सरमायाकारी के लिए गेटवे का मुकाम रखता है। तमाम स्टेट कंपनीज जो हैं पाकिस्तान की ऑयल एंड गैस सेक्टर में, वो सब यहाँ रिप्रेजेंट हो रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि काफ़ी MOUs साइन होंगे और FDI जो है वो काफ़ी इनकरेज होगा पाकिस्तान के अंदर। अबू धाबी इंटरनेशनल पेट्रोलियम एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस में शिरकत का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को उजागर करना और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी लाना है।